दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर साउथ ईस्ट एडीसीपी हर्ष इंदौरा ने कहा, पूरे जिले में हमारी फोर्स तैनात है, हमने अवैध गेस्ट हाउस होटल जो बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे उन्हें सील किया है, बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है और वाहनों की भी पूरी तरह से जांच की जा रही है। लाजपत नगर में स्थानीय पुलिस और बाहरी फोर्स तैनात की गई है, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। देखिए, पूरे जिले में तो हमारा इन जनरल जैसे आउटसाइड फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो है, और हमने टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन के जो हैं वो कैंप चलाए हुए हैं ताकि अच्छे से सर्वेंट वेरिफिकेशन और टेनेंट वेरिफिकेशन हो। हमने लगाम लगाई हुई है, जो भी इलीगल तरीके से गेस्ट हाउसेस चल रहे थे, ओयो चल रहे थे, तो उस तरह का कोई भी होटल है तो अगर वो बिना लाइसेंस के चल रहा है तो उनको हमने सील भी करवाया है, हमने उनके चालान भी काफ़ी सारे करे हुए हैं, और बॉर्डर्स पे काफ़ी सारी चेकिंग हो रही है, वहाँ पे गाड़ियों को रोककर उनके प्रॉपर चेकिंग हो रही है, उनके बैग्स वगैरह चेक करे जा रहे हैं, अगर कोई इलीगल सामान या इस तरह का कोई लेकर अंदर घुसने की कोशिश करता है दिल्ली में। और हमारे इंटरनल पिकेट्स भी हैं, जो हमारे 30 के ऊपर पिकेट्स टोटल लगी हुई हैं जिले में, जिसपे हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है और वो 24 घंटे का डिप्लॉयमेंट है, उसमें डे एंड नाइट हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है और ये 15 अगस्त तक कंटिन्यूसली चलेगा। उस पर भी रिगरस चेकिंग हो रही है, सारे व्हीकल्स को रोका जाता है, उनकी चेकिंग करी जा रही है, और हम इस पर भी अंकुश लगा रहे हैं कि जो इलीगली कोई दारू बेच रहा है या फिर ड्रग्स बेच रहा है और इस तरह से इसकी वजह से कोई आपत्ति आती है हमारे सिक्योरिटी की व्यवस्था में, तो हम उन पर भी लगाम लगा रहे हैं। बात करें अगर लाजपत नगर पर्टिकुलर की, तो लाजपत नगर में हमने पहले सबसे पहली चीज़ करी है, हमने एक तो आउटसाइड फोर्स है उसमें अपनी डिप्लॉय करी, साथ में लोकल पुलिस भी, उसमें हमने एक्सेस कंट्रोल करा है, जो एंट्री एग्जिट है वो हमने कम कर दिए हैं, दो एंट्री हमारे फिरोज गांधी रोड से हैं और दो एंट्री हमारी वीर सावरकर रोड से हैं, वहाँ पे DFMD हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दोनों मेल और फीमेल, वो चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं, तो जैसे भी कोई भी एंटर होता है तो उनको चेकिंग फ्रिस्किंग करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। एट द सेम टाइम वहाँ पर हमारे स्पॉटर्स रहेंगे, वो स्पॉटर्स हमारे रहेंगे सिक्योरिटी गार्ड के कॉम्पोनेंट से ही, उसके अंदर वो लोग मुफ्ती में रहेंगे, वो लोग चेक करेंगे, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, कोई इस तरह की गतिविधि नहीं हो रही है कि जेब तराशी हो रही है या स्नैचिंग हो रही है, तो इस तरह की एक्टिविटी अगर वो देखते हैं वो स्पॉट करेंगे, उन लोगों को पकड़ के उसी टाइम पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे या पुलिस के इंटरवेंशन के लिए हमें बता देंगे। हमारी लोकल पुलिस भी वहीं पे लगी हुई है, बहुत हमारा स्टाफ है वहाँ पे, दो सेक्शन था आउटसाइड फोर्स का अभी लगा हुआ है और वो आगे बढ़ा दिया जाएगा, और थाने का स्टाफ भी है और वहाँ पे CCTV कैमराज भी हैं और CCTV के कैमरा के कंट्रोल रूम पे नियर्स हैं, अगर उनको इस तरह का कुछ इलीगल दिखता है तो वो ऑटोमेटिकली हमें रिपोर्ट करेंगे।